हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं आपको कुछ ऐसे पेस्ट कंट्रोल के लिए पेस्टिसाइड बताऊंगी जो होममेड हैं और बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक हैं, आपके गार्डन के लिए बहुत अच्छे हैं, स्पेशली सीडलिंग के लिए बहुत अच्छे हैं और फूलों में जो कीट वगैरह लग जाते हैं उनसे भी अच्छे हैं। देखिए कितना हेल्दी फूल है। तो ये है करेले, इसे मैं वाइल्ड कर रही हूँ, वाइल्ड किया हुआ है। वाइल्ड करने के बाद में इसका जो पानी बचा है वो मैंने निकाल के रख लिया है। इस तरह से करेले हम निकाल देंगे इस तरह से, और इसका जो पाउडर है उसे हम एज ए पेस्टिसाइड यूज करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये करेले निकाल के और इसे मैं बकेट में भर के रख लूँगी, जब छत पे जाऊँगी तब लेके जाऊँगी इसे, और इसे स्प्रे में भर के स्प्रे कर सकते हैं अपने सभी प्लांट पे, क्योंकि इससे प्लांट जो प्लांट के पत्ते वगैरह होते हैं बिल्कुल कड़वे हो जाते हैं और कैटरपिलर उन्हें खा नहीं पाते हैं। तो ये एज ए पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। और ये चावल का पानी है, इसे मैं मुझे करीब 4 महीने या 5 महीने रखे हुए हो गए होंगे, मुझको याद भी नहीं है, शायद 5 महीने हो गए हैं। जब ये चावल बनाए थे मैंने तो ये कुछ बच गए थे, ये कटोरी के समथिंग, तो मैंने वो इसमें बॉटल में भर के और पानी भर दिया। तो अब ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड बन गया है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने सीडलिंग में। न्यू ग्रोथ प्लांट जो होते हैं, न्यू बेबी प्लांट है, उन पे भी यूज़ कर सकते हैं। सीडलिंग तो बहुत ही अच्छी रहेगा, क्योंकि सीडलिंग में हम केमिकल यूज़ नहीं कर सकते, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर सकते, उससे उनका जलने का डर रहता है। तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, स्प्रेयर में भरेंगे, छानने के बाद में ही स्प्रेयर में भरेंगे और सभी प्लांट पे स्प्रे कर देंगे। तो बहुत अच्छा पेस्टिसाइड है ये भी, स्पेशली बेबी प्लांट और सीडलिंग के लिए। तो आप इसे अपने गार्डन में ज़रूर बना के रखिए। ऐसा नहीं है कि आप स्पेशली चावल बना के रखें, आप जब चावल बच जाए तो वो थोड़े से अगर 2-4 चम्मच भी बच जाते हैं तो वो भी आप बॉटल में भर के पानी भर के रख दीजिए शेडी एरिया में, तो ये बहुत अच्छा पेस्टिसाइड बन जाएगा और आपके छोटे छोटे प्लांट बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। और एक फर्टिलाइज़र ये भी है कि आप ये अरबी देख रहे हैं, अरबी आप सभी लोग खाते हैं, तो जब भी अरबी को वॉश करें तो इसका पानी निकाल के रख लें। मैं सुबह में खाना बनाने जा रही थी तो मैंने अरबी ये वॉश की थी, हाथ इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि हाथ में बहुत खुजली लगती है, तो इसलिए मैं इससे सही इससे चला रही हूँ, जिससे कि इसका साफ़ हो जाए, इसकी मिट्टी रेत वगैरह सब निकल जाए। तो अब हम इसे छान लेंगे, इसके सबको इसमें छानने की कोशिश करती हूँ, मगर नहीं इसमें बर्फ़ी चली जाएगी तो इसे छोड़ देती हूँ, क्योंकि चाय पत्ती वगैरह के छन्नी है तो इसे हम किसी ऐसी चीज़ से छानेंगे जैसे कि इजीली छन्नी से या जो प्लास्टिक के बकेट आती है उससे छान लेंगे हम। और ये है मेरा करेले का, ये 2-1 दिन रखने के बाद का है ये, इसलिए इसका कलर ऐसा हो गया, 1 दिन पूरा हो गया। तो अब इसे हम स्प्रे में भर लेंगे, कोई भी पेस्टिसाइड हो आप उसे छान के ही भरिएगा, क्योंकि छानने के बाद में ही अच्छे से स्प्रेयर चल पाता है, अगर छान के नहीं भरेंगे तो आपका स्प्रेयर बंद हो जाएगा और कुछ भी इसमें फंस सकता है, जो कुछ भी होगा स्प्रेयर में तो आपकी ये स्प्रेयर चलेगा नहीं। तो आप इसे सभी अपने प्लांट पे डाल दीजिए, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सीडलिंग में ही डालें, आप सभी में डाल सकते हैं, चाहे वो रात रानी हो, रात रानी में इस समय प्रॉब्लम कर रही हैं, और अरबी तो अरबी का पानी तो आप किसी में भी डाल दीजिए, क्योंकि कैटरपिलर वगैरह को ये बिल्कुल ख़त्म कर देगा। कि अरबी का जो होता है हम उसमें हाथ डालते हैं तो हमें ही इतनी खुजली लगती है, तो सोचिए आप कैटरपिलर वगैरह को कितनी प्रॉब्लम होगी। तो आप अरबी का पानी ज़रूर स्प्रे कर दीजिए सभी में, और ये काम आप शाम को कीजिएगा, दोपहर में करेंगे तो या सुबह में करेंगे तो 1 घंटे में ही 1 घंटे का 10 मिनट में ही सूख जाएगा। तो आप इसे शाम को कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा टाइम तक ये रहेगा। आप और भी तरह के ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बना सकते हैं, नीम, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट भी बना सकते हैं, उसे छानकर स्प्रे कर सकते हैं, तो बहुत से ऑर्गेनिक पेस्ट कंट्रोल हैं। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।